हेलो दोस्तों, आज हम आपको सलीम सर और जावेद सर के राइटर कैरियर के बारे में बताएंगे। सलीम जावेद ने 1971 में आई मूवी अधिकार से अपने राइटर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे एस एम सागर। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, नंदा और देव मुखर्जी शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा। भारत में कमाई 60 लाख हुई और दुनिया में इस मूवी ने 98 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल सलीम जावेद की एक और मूवी आई अंदाज। इस मूवी के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और शम्मी कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 75 लाख रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ हुई और दुनिया में इस मूवी ने 3 करोड़ 80 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल सलीम जावेद की तीसरी मूवी आई हाथी मेरा साथी। इस मूवी के डायरेक्टर थे एम ए मिथुरुमुगन। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, तनुजा, के एन सिंह और मदनपुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ 50 लाख हुई और दुनिया में इस मूवी ने 6 करोड़ 95 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1972 में सलीम जावेद की मूवी आई सीता और गीता। इस मूवी के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी। इस मूवी के लीड कास्ट में हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और संजीव कुमार शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ 25 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6 करोड़ 15 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1973 में सलीम जावेद की मूवी आई जंजीर। इस मूवी के डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, जया बहादुरी और प्राण शामिल थे। इस मूवी का बजट 80 लाख रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ 85 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल सलीम जावेद की एक और मूवी आई यादों की बारात। इस मूवी के डायरेक्टर थे नासिर हुसैन। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, विजय अरोरा शामिल थे। इस मूवी का बजट 85 लाख रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ 75 लाख हुई और दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ 25 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1974 में सलीम जावेद की मूवी आई मजबूर। इस मूवी के डायरेक्टर थे रवि टंडन। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, परवीन बॉबी, प्राण और फरीदा जलाल शामिल थे। इस मूवी का बजट 75 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 30 लाख हुई और दुनिया में इस मूवी ने 2 करोड़ 35 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमीट रही। इसी साल सलीम जावेद की एक और मूवी आई हाथ की सफाई। इस मूवी के डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, रणधीर कपूर और हेमा मालिनी शामिल थे। इस मूवी का बजट 90 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 50 लाख हुई और दुनिया में इस मूवी ने 2 करोड़ 85 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमीट रही। 1975 में सलीम जावेद की मूवी आई दीवार। इस मूवी के डायरेक्टर थे यश चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा रॉय, नीतू सिंह और परवीन बॉबी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 25 लाख रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 25 लाख हुई और दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ 20 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल सलीम जावेद की एक और मूवी आई शोले। इस मूवी के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बहादुरी, संजीव कुमार और अमजद खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ रहा। भारत में कमाई 15 करोड़ हुई और दुनिया में इस मूवी ने 29 करोड़ 75 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल सलीम जावेद की 11वीं मूवी आई आखिरी दाव। इस मूवी के डायरेक्टर थे ए सलाम। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, सायरा बानो, इंतकार और डेनिस शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 10 लाख रहा। भारत में कमाई 98 लाख हुई और दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 78 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1976 में सलीम जावेद की कन्नाड़ा मूवी आई हरी मादा कनिके। इस मूवी के डायरेक्टर थे बी सुम्मा शेखर। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार, आरती और जयामाला शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल सलीम जावेद की एक और मूवी आई राजा नन्ना राजा। इस मूवी के डायरेक्टर थे एबीसी सियांगरी राव। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार, आरती और चंद्रशेखर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही।
1977 में सलीम जावेद की मूवी आई ईमान धर्म। इस मूवी के डायरेक्टर थे देश मुखर्जी। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, रेखा, अमरीश पुरी और हेलन शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,30,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,35,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल सलीम जावेद की एक और मूवी आई चाचा भतीजा। इस मूवी के डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, रणधीर कपूर, हेमा मालिनी और योग्यता वाली शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6,95,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1978 में सलीम जावेद की मूवी आई त्रिशूल। इस मूवी के डायरेक्टर थे यश चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी और पूनम ढिल्लन शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,60,00,000 रहा। भारत में कमाई 5,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10,25,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल सलीम जावेद की एक और मूवी आई डॉन। इस मूवी के डायरेक्टर थे चंद्रबोर्ड। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, प्राण, हेलन और इंतकार शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6,85,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1979 में सलीम जावेद की मूवी आई काला पत्थर। इस मूवी के डायरेक्टर थे यश चोपड़ा। मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, नीतू सिंह और परवीन बोबी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,85,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1980 में सलीम जावेद की मूवी आई दोस्ताना। इस मूवी के डायरेक्टर थे राज घोसला। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी और हेलन शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,70,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8,35,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल सलीम जावेद की एक और मूवी आई शान। इस मूवी के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी गुलजार और परवीन बोबी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,60,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,25,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8,50,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमीट रही। 1981 में सलीम जावेद की मूवी आई क्रांति। इस मूवी के डायरेक्टर थे मनोज कुमार। इस मूवी के लीड कास्ट में दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बॉबी, निरूपा रॉय और सारिका शामिल थे। इस मूवी का बजट 3,10,00,000 रहा। भारत में कमाई 10,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 20,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1982 में सलीम जावेद की मूवी आई शक्ति। इस मूवी के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी। इस मूवी के लीड कास्ट में दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और समिता पटेल शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,85,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1985 में सलीम जावेद की मूवी आई जमाना। इस मूवी के डायरेक्टर थे रमेश तलवार। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, पूनम ढिल्लन और रंजीता शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,40,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,70,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1987 में सलीम जावेद की मूवी आई मिस्टर इंडिया। इस मूवी के डायरेक्टर थे शेखर कपूर। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, श्रीदेवी, सतीश कौशिक, अमरीश पुरी और अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,18,00,000 रहा। भारत में कमाई 5,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 16,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 2003 में सलीम जावेद की मूवी आई बागवान। इस मूवी के डायरेक्टर थे रवि चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सलमान खान, अमन वर्मा, महिमा चौधरी और असरानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 10,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 20,65,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 41,12,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही और यही अब तक की सलीम जावेद सर की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको सलीम जावेद सर का राइटर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। प्लीज दोस्तों, थैंक यू।